बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से मिल रही है जहां पर भजन गायक देवेंद्र पाठक पर यौन शोषण का आरोप लगा है। तो महिला ने जबरन गर्भपात करने का आरोप लगाया है। 8 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप महिला ने लगाया है। तो आपको बता दें कि महिला दिल्ली की रहने वाली है। दशरथ गद्दी के महंत ब्रज मोहन के शिष्य है देवेंद्र पाठक, जिन पर आरोप लगाए हैं एक महिला ने यौन शोषण के। बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद देवेंद्र पाठक पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि बलात्कार समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में इस मुकदमे को दर्ज किया गया। पहले तो देवेंद्र पाठक ने मेरे साथ गलत संबंध बनाने के बाद जब मैंने बोली ऊंची आवाज उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे को डराया धमकाया, बोला कि आप ऊंची आवाज़ मत उठाइए, डरवा धमका के मेरे को वापस कर दिया दिल्ली। फिर मैं वापस चली गई, फिर मैंने कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी करूंगा और धर्म पत्नी बना के हमेशा अपने साथ रखूंगा। जी फिर मेरे को बुलाया उन्होंने, फिर मेरा जो प्रूफ था वो मोबाइल लेके छीन के उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद वो मैं देखी तो मीडिया और फेसबुक पे सब पे उन्होंने वायरल कर दिया कि मैं गंदी महिला हूँ। तो बलात्कार समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में अब मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल दशरथ गद्दी के महंत हैं ब्रजेश मोहन, उनके शिष्य हैं देवेंद्र पाठक, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। और सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कब ये महिला सामने आई और कब देवेंद्र पाठक को लेकर उन्होंने आरोप लगाए और इस पर कोई सफाई अभी तक देवेंद्र पाठक की तरफ से? जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है कि अयोध्या के संत और देवेंद्र पाठक गायक मशहूर लगातार होते जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान जो राम जन्मभूमि को लेकर फैसला आया और मंदिर को लेकर भूमि पूजन हुआ, इस दौरान इन्होंने अपने गायन और भजन संध्या से काफी जो है उत्साह रहा है लोगों के अंदर, जो है एक सोशल मीडिया पर भी काफी इनका मशहूर हुए है। ऐसे में लगातार इनका जो ऑडियो चल रहा था सोशल मीडिया पर चल रहा था, ऐसे बीच में इस वक्त अभी कुछ ही दिन पहले जो एक महिला सामने आई और इन पर आरोप लगाया है कि ये बलात्कार का आरोप लगाया है। साथ ही साथ 80,000 रुपए लगभग एक बड़ी राशि का जो है एक गमन का भी आरोप लगा है, जिसको लेकर राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला है कहीं ना कहीं एक आरोप के तहत इसे देख माना जा रहा है, लेकिन अभी देवेंद्र पाठक की तरफ से जो ब्रजमोहन दास के शिष्य हैं उनके अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये जरूर पता चला है कि देर रात क्रास मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। देवेंद्र पाठक ने महिला के ऊपर आरोप जो फर्जी आरोप को लगाते हुए जो है उन्होंने जो महिला है उसने काफी आरोप लगाए हैं, कहा है कि झांसा दिया गया शादी का और गर्भपात भी जबरन कराया गया, 8 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया गया है। क्या बताया जा रहा है महिला की तरफ से, कब से वो देवेंद्र पाठक के साथ थी और कैसे उसे बहलाया गया, फुसलाया गया और पुलिस इस पर अब किस तरह से कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रही है? जी हाँ बिल्कुल, महिला का जो आरोप है बताया जा रहा है कि लंबे समय से जो है दिल्ली में लगातार बुलाते रहे हैं, मुलाकात होती रही है अयोध्या की अलग अलग जो है जो यहाँ के जो होटल हैं धर्मशाला है अलग अलग स्थान पर हमेशा रुकवाते थे। उसके बाद जो है शादी का के लिए भी उन्होंने कई बार दावे भी किए थे, झांसा भी दिया था, लेकिन जब वो महिला का जो आरोप है कि जब जो है देवेंद्र पाठक जो है अपने इन बातों से मुखरे तो उसके बाद महिला जो है अपने अधिवक्ता के साथ मीडिया के सामने आई और मुकदमा दर्ज कराने पर मजबूर हुई। जी चलिए, धन्यवाद आपका सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए।